तो रुकना चाहते तो रुक सकते हैं अपना गेस्ट हाउस। अब बोल रहे हैं कि रुकने के लिए, लेकिन हम आगे निकल जाएंगे तो अपना गेस्ट हाउस। थैंक यू, थैंक यू। ये रहा वो मंदिर, ये है दुर्गा माता के मंदिर, ये भोलेनाथ जी का मंदिर, और ये रहा बजरंगबली जी के मंदिर। और यहाँ ना दो बरगद के पेड़ थे और रात में काफ़ी ख़तरनाक लग रहे थे, और वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए वीडियो में नहीं बना रहा हूँ मंदिर अंदर जाकर, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 बार चोरी हो चुका है। इसी चलते बोले कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं वीडियो यहीं से बना रहा हूँ, आप सबको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं कैंपिंग कर दिया था, यहाँ पर इधर मेरी साइकिल। तो यहाँ के पंडित जी बोल रहे थे रात में कि सतर्क रहना, क्योंकि यहाँ चोरी होता है बहुत ज़्यादा, इसी चलते, क्योंकि खुला एरिया था ना, और रात में मैं यहाँ पर अकेला ही सो रहा था, आसपास कोई भी नहीं है। यहाँ से सिटी 1 किलोमीटर दूर में सिटी है यहाँ से। तो अब चलते हैं, सुबह के बज चुकी है 8 बजने वाली है, और आज की यात्रा शुरुआत होती है 8 बजे से। हर हर महादेव। तो अभी मैं इंटर कर चुका हूँ बिमलपुर, और अभी बज चुकी 9:30। तो चलते हैं और आज की ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो अभी मैं इटावा सिटी में क्रॉस कर रहा हूँ, और इसी सिटी के रहने वाले हैं अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार 2 बार हार चुके हैं। और अभी तो आप सभी जानते ही हैं कि योगी जी महाराज जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पूरा देश में चर्चित में है अभी, और सबसे बेहतर मुख्यमंत्री में से एक है। और अखिलेश यादव के इटावा में एक बंगला है, और उनका गांव यहां से 10 किलोमीटर दूर है, तो बंगला तो दिखा नहीं सकता अखिलेश यादव को, क्योंकि अंदर है सिटी का। अभी मैं हाईवे से निकल रहा हूं, तो चलते हैं। तो यहाँ से ग्वालियर है 115 किलोमीटर, आगरा 112 किलोमीटर, और दिल्ली है 310 किलोमीटर। तो देखते हैं आगरा कब तक में पहुँचते हैं, आज पहुँच पाएंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। समय कारगिल का वो हुआ था, हाँ, उनकी याद में ये बनाया गया जी। अच्छा अच्छा जी। और अभी सर जी मिले हैं, पत्रकार हैं, और आपका शुभ नाम क्या? आशीष। प्रॉपर कहाँ से आप? प्रॉपर यहीं से हैं, जसवंत नगर से, जसवंत नगर इटावा से। अच्छा अच्छा। हमारे पास आईडी भी है, एक मिनट जनवाद टाइम्स इटावा जी। और पत्रकार करते हैं, काफी अच्छा लगा मिलकर, और मेरा भी लिए है तो चैनल पर आ जाएगा तो जरूर आएगा, और दूंगा मैं, क्योंकि आप देखने में अट्रैक्टिव लगे, और फिर मुझे लगा कि आप कहीं अच्छे हैं, और आपका लेने से कुछ आपसे शेयर भी करूंगा, कुछ अपने पास भी लूंगा, तो कुछ अच्छा महसूस होगा। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, आराम से जाइएगा। तो अभी नेशनल हाईवे छोड़कर गांव के हाईवे से जा रहा हूं, और गांव के हाईवे से जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। आस पास पूरा खेती बाड़ी किया गया है, मकई है इधर, और पूरा आम फरा हुआ है, लेकिन पका हुआ अभी नहीं है, अगर पका हुआ रहता ज़रूर खाते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है राइडिंग करने में, इसी जल्द मैं रेस्ट अभी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से आगरा है 93 किलोमीटर, दिल्ली है 293 किलोमीटर, बाह है 28 किलोमीटर, फतेहाबाद है 58 किलोमीटर, अब रास्ता ख़राब है। अभी तो अमना नदी में पानी बहुत कम है, बहाव बहुत स्लो है, लेकिन यही बरसात के मौसम में पूरा ख़तरनाक रहती है, पूरा गंदा रहती है पानी उस समय, क्योंकि पहाड़ी पर से उतरती ना, तो सभी मिट्टी उट्टी का पानी रहता है। अभी भी साफ़ा है, लेकिन उतना भी साफ़ा नहीं है अपना नदी जितना होना चाहिए। तो आज का स्टॉपेज है, एक आश्रम है, और छोटा सा आश्रम है, और आश्रम में काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत पंछी भी हैं, लेकिन अभी मैं आया, देख सकते मोर है ऊपर, मोर है, देख सकते हैं मोर है, बहुत सारे मोर हैं ऊपर, और उधर भी उस पेड़ पर पेड़ उस उड़ के भागने लगे, उड़ के चल गए, बहुत सारे मोर हैं यहाँ पर, उधर पूरा पूरा है जंगल में, पूरा मोर है, देख सकते हैं जा रहा है उधर,
काफ़ी प्यारे हैं। तो ठीक है, आधा से घंटा रेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे अपनी जर्नी की ओर। और सुबह से कम 47 किलोमीटर में राइड कर चुका हूँ और अभी बच चुकी है, देख सकते हैं 12, ओ नो, मतलब कि 12 बजने वाली है। तो ठीक है, भोजन करते उसके बाद फिर निकलेंगे। तो अभी मैं अपनी यात्रा पर निकल चुका हूँ और देख सकते हैं पूरा ना पूरा वेदर ख़राब है, पूरा हर तरह बादल ही बादल है और गरज मलक पूरा हो रहा है साइड में। तो आज भी बारिश होने का संभावना है पूरा, और देखते हैं अगर बारिश होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और अभी बच चुकी 2, देखते हैं कहाँ तक मैं जा पाता हूँ। कोशिश करूँगा कि पूरा जाऊँ जहाँ तक मेरा डेस्टिनेशन है, कम से कम 100 किलोमीटर आज जा पाता हूँ या नहीं। अगर इसी तरह मौसम रहा तो आराम से चले जाएंगे, अगर बारिश हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। स्टेमिना काफ़ी आंधी चल रही है पूरा, अभी तो थोड़ा सा कम हो चुकी है। तभी एक भैया जी मिले हैं, और नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया जी। हाँ, प्रॉपर कहाँ से आप? यहीं से हम लोग, यहाँ जिला में पड़ता है। कौन सा ये गांव का नाम है? उसका गांव का नाम है फतेहपुरा। और आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है देवा ठाकुर। देवा भाई, इटावा से 40 किलोमीटर आप आगे आ चुके हो। 40 किलोमीटर इटावा से? इटावा से, इटावा जिला से। हाँ, आगरा कितना किलोमीटर हो गया यहाँ से? आगरा यहाँ से होगा 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर जी। और आपका भाई जी? राहुल पंडित। राहुल पंडित, पंडित भाई। और ये तो पंडित जी हैं, तो प्रणाम पंडित जी। और प्रोपर दोनों फ्रेंड? जी जी जी, फ्रेंड फ्रेंड। तो काफ़ी अच्छा लगा मिलकर भैया जी से, और लगभग 10 से 15 मिनट यहाँ बात कर रहे हैं। और अभी तो पूरा तो रुक सकते हैं अपना गेस्ट हाउस, अब बोल रहे हैं कि रुकने के लिए, लेकिन हम आगे निकल जाएंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, नाइस टू मीट यू भाई। ये निकलिए, अभी कोई रास्ता कोई निकलिए, अपना ही रास्ता, किसी भी पूछो, देवा नाम अपना, किसी भी पूछो, सब बताएगा। तो शाम के बज चुके हैं 4, और इस टाइम बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं साइकिल को यहाँ पार्क कर दिया है, एक घर था जो अभी बंद है, ताला लॉक है। और ये घर शायद भैया जी के होटल है ना, उन्हीं का है। तो उनसे परमिशन लिया, अब बोला साइकिल रख सकते हैं, बोले ठीक है रख दो। अब देखते हैं नाइट स्टे कहाँ करते हैं। और आई ना सुबह से सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर में राइडिंग किया हूँ, और यहाँ से आगरा 80 किलोमीटर और बचा हुआ है। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। आज सोचे कि कल 100 किलोमीटर करेंगे तो कल आगरा घूमते हुए निकल जाएंगे, या शायद कल भी आगरा नहीं जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है, भगवान बोले आज की इच्छा। इस टाइम तो पूरा, तो इस टाइम ना बारिश हो चुकी बंद, और अभी बच चुकी 4:30। तो निकल चुका हूँ, और कम से कम इस टाइम से 20 किलोमीटर में मुझे और राइडिंग करना है, उसके बाद ही रुकेंगे, क्योंकि 60 किलोमीटर बचेगा आगरा। 60 किलोमीटर कल आगरा घूम भी लेंगे, आगरा से निकल भी लेंगे। आगरा कहाँ जा रहे हैं आप सभी नोटिस कर ही चुके होंगे, और ठीक है वहाँ जाते हैं तो ही पता चलेगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ। और काफ़ी प्रॉब्लम हुआ आज, कल भी बारिश हुआ, आज भी ऐसा लग रहा कि मौसम आ चुकी है, लेकिन अभी मौसम आ ही नहीं है। इधर ना बहुत सारा बैल भैंसा है, और काफ़ी खतरनाक खतरनाक है, एक ये तो आज खतरनाक है। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 6:30, और इस टाइम मैं किसी का छत पर हूँ, और किनका छत पर हूँ और मैं कहाँ हूँ वो तो मैं सुबह बताऊँगा। और आज ना नया एक्सपीरियंस होने वाला है, किसी का घर के छत पर मैं सोने वाला हूँ। ऐसे भी नीचे भी सो सकता हूँ, नीचे भी अनुमति मिला है, लेकिन बोले कि गर्मी नीचे लगेगा तो ऊपर सो जाना, अगर बारिश आएगी तो फिर नीचे सो जाएंगे, अगर बारिश नहीं आई तो आराम से ऊपर सोएंगे मस्त से।